विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना। आज आपका मन कर गया एक 108 चावल के दाने मेरे को शिवजी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा यह कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का स्मरण, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो दो बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर देना, तीन या चार सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, बाबा का शिव और सती का, शिव और पार्वती का, शिव शक्ति का, शिव अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर, छान कर, जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री धतूरा दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म, लिखते कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना भस्म, अभिषेक में चाहिए रहते। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छाओ में, बेलपत्री के वृक्ष की छाओ आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं बस उसे कहकर, कभी सोमवार का दिन हो क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन चंद्र का वार शिव जी को प्रिय, शिव जी को प्रिय है। दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर
पीपल के पान पर पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह बटकेश्वर